हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एवनिस 125 इसकी जो है हम आज लॉन्ग रेस करेंगे टीवीएस इंटॉर्क 125 सीसी के साथ। इसकी जो हमने काफ़ी रेस की वीडियो उतारे लिए वो सब जाके आप देख लेना। तो आज जो हम इसकी एवनिस के साथ इसकी जो है लॉन्ग रेस करेंगे। इसमें जो स्ट्रीट मोड और रेस मोड आता है इसको जो रेस मोड में रखेंगे, और एवनिस जो है ऐसे कोई मोड नहीं आता है। पर जो इसका टायर काफ़ी पतला है पीछे का, और जो टॉर्क की टायर की साइज़ देखो काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों जो है 125 सीसी है, देखते हैं कौन सी जीतती है। आप जो कमेंट कर देना कौन सी जीतेंगी दोनों में से। तो अभी हम जो दोनों की लॉन्ग रेस करेंगे तो इसको जो स्ट्रीट मोड में नहीं रखेंगे, क्योंकि जो है उसकी हमने टॉप स्पीड चेक करी है एवनिस की, तो जो 101 चली जाती है। तो ये जो स्ट्रीट मोड में 95 तक जाती है, तो इसको जो हमने रेस मोड में रखी है तो रेस मोड में 100 के ऊपर जाती है। देखते हैं कौन सी जीतती है। अभी जो हमने इंटॉर्क के साथ जो है एवनिस की रेस करी, तो एवनिस जो है स्टार्टिंग में भी जो है आगे रहती है, इसमें जो पीको भी उधर रहते हैं जो आगे रहती है, और जो टॉप एंड में शायद जो है ये पीछे हो जाती है इंटॉर्क से, क्योंकि जो इंटॉर्क काफ़ी नज़दीक आती जाती थी। और जो इसकी टॉप स्पीड 101 है, और जो है इंटॉर्क 105 106 107 110 तक चली जाती है, पर जो है टाइम लगता है। तो इससे हजू ज़्यादा लॉन्ग रेस करते तो जो इंटॉर्क आगे निकल जाती। फर्स्ट राउंड में जो है एवनिस को स्लो कर दिया था, फिर जो इंटॉर्क निकल गई, तो उसके बाद जो हमने सेकंड राउंड करा। अब जो थर्ड राउंड करेंगे, इसमें जो राइडर एक्सचेंज करेंगे वो जो अपनी इंटॉर्क रेस मोड में रहेंगे, इसमें जो कोई मोड नहीं है। सर यहाँ से जो लास्ट राउंड कर दें। Thank you.
काफ़ी फास्ट से इंटोर्क करता, उनके जो 105 टच हो गई थी और जो इंटोर्क भी जो 110 तक जाती है, अपन जो देर लगती है, तो हमने जो राइडर एक्सचेंज करा उसमें जो इंटोर्क आगे रही थी, इंटोर्क जो है काफ़ी आगे रही थी, क्योंकि जो मेरा वेट वधा रहा था, मैंने जो वेट वधा रहे होने से जो है इंटोर्क थोड़ी पीछे रही थी फर्स्ट और सेकंड राउंड में। थर्ड राउंड में राइडर एक्सचेंज करने से जो है वेट थोड़ा सा कम आया, तो इंटोर्क जो है आगे रही थी पिकअप में, और उसके बाद जो है टॉप एंड में जो है यूनिस निकल ही गई थी आगे। जो इसमें कुछ थोड़ी बहुत इंटोर्क में प्रॉब्लम है, उस वजह से भी जो है इतनी फास्ट नहीं जाती है। हमने जो इंटोर्क का जो है वाटर टेस्ट करा था, उसमें जो इसको पानी में जान दी थी, उसके बाद जो है ये टॉप स्पीड में जो है इतनी टच नहीं होती, शायद उसके लिए जो है थोड़ी बहुत पीछे रह गई होंगी। बाकी जो है जितनी भी एमनीस हैं, आप जो कमेंट कर देना आपको क्या लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में।